मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 3 सालों में 21 रोजगार दिए हैं, मात्र 21 रोजगार। आप सोच सकते हैं कि जब सरकारी पद, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में देखिए हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली हैं, फिर भी नौजवान बेरोजगार हैं। नौजवान के लिए माता पिता मेहनत करते हैं, फीस भरने के लिए कोई किसान मेहनत कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, खूब मेहनत कर रहे हैं कि ट्यूशन करें, भर्ती की परीक्षाएं करें, उनकी फीस भरते हैं, और फिर भी सब करने के बावजूद तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं। जब जब मैं सभाओं में जाती हूं, मैं पूछती हूं कि बताइए आपको रोजगार मिला है, प्रदेश की सरकार ने दिया है, तो हमेशा यही जवाब मिलता है कि नहीं दिया। एक तरफ खाली पद, दूसरी तरफ बेरोजगारी, एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ महंगाई को रोकने का कोई प्रयास नहीं। प्रयास तब शुरू होते हैं जब चुनाव आते हैं। इसका सबसे अच्छा मिसाल गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले गए, 1200, 1400 तक आ चुके हैं। चुनाव आने वाला है, 2 महीने पहले इन्होंने इसको 400 रुपए कर दिया। इससे पहले क्या हो रहा था? क्या इससे पहले लोग महंगाई से नहीं जूझ रहे थे? क्या इससे पहले गैस सिलेंडर को खरीदना, भरवाना मुश्किल नहीं था? तो चुनाव के समय क्यों हो रही हैं ऐसी घोषणाएं? ये एक ऐसी सरकार है जिसने 22,000 घोषणाएं की हैं, और 22,000 घोषणाओं में से मुश्किल से 22 घोषणाएं पूरी की होंगी। तो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है, कि 18 सालों में इंदौर की कितनी तरक्की हुई है या नहीं हुई है, कि पिछले 3.5 सालों में सिर्फ 21 रोजगार दिए हैं। आप देख रहे हैं कि गांव से पलायन कितना हो रहा है आपकी शहर की तरफ। गांव में जितनी गरीबी है आज, उतनी ही गरीबी आज आप शहर में देख सकते हैं, क्योंकि गरीबी वहां से लोग यहां आ रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए। यहां आते हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, रोजगार मुश्किल से मिलता है, और महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं। अब दिवाली का मौसम आ रहा है, मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं त्योहार मनाना चाहती हैं, कोई धनतेरस पे जाएगा, दुकान जाएगा कुछ खरीदने के लिए, दिवाली में लोग घर आएंगे, उनके लिए कुछ परोसने का दिल करेगा। लेकिन आज ये परिस्थिति है कि प्याज के दाम भी इतने बढ़ गए हैं। मैंने अपनी पिछली सभा में बोला कि एक समय था जब मोदी जी कहते थे, वर्ल्ड कप था उस समय, मोदी जी कहते थे, उन्होंने शायद कहा कि देखेंगे सचिन की पहले सेंचुरी होगी या प्याज की सेंचुरी होगी। आज वर्ल्ड कप चल रहा है, विराट की सेंचुरी हो गई, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, और मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। यहां की सरकार ने इतने घोटाले किए हैं कि इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन उसको पढ़ना ही छोड़ दिया है मैंने। पहले पहले जब मैं यहां मध्य प्रदेश सभाओं में आती थी तो सारा पढ़ती थी, कौन से शिक्षा और भर्ती में घोटाला, इधर घोटाला, उधर घोटाला, लंबी तमाम लिस्ट थी। अब मैं पढ़ती नहीं हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि मोटी बात यह है कि इस सरकार का ध्यान सिर्फ घोटालों में रहा है, अपने लिए कमाने में, लूटने में, और आपकी तरक्की, आपका विकास करने में, आपकी कोई भी सहायता करने में इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए आज की राजनीति ऐसी हो चुकी है कि हमारी उम्मीदें भी घट चुकी हैं। मैं जब लोगों से पूछती हूं कि भाई क्या उम्मीद है सरकार से, तो अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं, हमारा संघर्ष भरा जीवन है, अगर हमारे जीवन में कुछ सहायता, कुछ मदद मिल जाती, रोजगार मिल जाता, महंगाई थोड़ी कम हो जाती, जैसे गैस सिलेंडर है उसकी, वो कम महंगा हो जाता, उससे हमें सुविधा हो जाती, तो लोगों की उम्मीदें भी घट रही हैं, क्योंकि राजनीति का ध्यान किस ओर जा रहा है? ऐसी बातों की ओर जिससे आपकी तरक्की का कोई ताल्लुक नहीं है। तो चुनाव के समय
मैं देखती हूं कि भाजपा के नेता मंच पे आते हैं तो कैसी कैसी बातें करते हैं। अब मैं सुन रही थी मोदी जी का भाषण, तो मैंने सोचा विकास की बातें करेंगे, ये बताएंगे कि घोषणाएं जो इन्होंने की हैं, कौन से प्रदेश में इन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की हैं जो अभी चल रही हैं, पता तो चले जनता को कि अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उल्टा मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका, आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथलैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है। अगर किसी का दायित्व है कि सार्वजनिक जीवन में जो चर्चा परिचर्चा का स्तर है उसे ऊंचा रखना है तो ये प्रधानमंत्री का ही दायित्व होता है, बड़े बड़े नेताओं का होता है। कि चुनाव का समय है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे खून में क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट रिजल्ट बता देगा हमारा। जनता को मतलब है अपनी समस्याओं से। आज सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं। अब देखिए बार बार कहते रहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 10 सालों से आपकी सरकार है, अब तो जिम्मेदारी ले लीजिए। 10 सालों से आपने इंदौर में कौन सा विश्वविद्यालय खोला है, कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला है? मध्य प्रदेश में हजारों स्कूल बंद हो गए हैं। जब लोग गांव से यहाँ शहरों में पलायन करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां अपनी सुविधा दी नहीं है। तो आप 18 सालों से इस प्रदेश में आपकी सरकार है, 10 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है। तो अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि किसी ने आपसे पहले कुछ किया ही नहीं, ये छोड़ देते हैं हम बात कि IIT हो, IIM हो, AIIMS हो, सब पंडित नेहरू के समय से है, छोड़ देते हैं हम बात। हम कहते हैं चलो मान लिए किसी ने कुछ नहीं किया, आपसे पहले जितने भी लोग आए वो सब बेकार थे, किसी ने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया है? क्या आप अपनी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक ऐसी राजनीति करने की हिम्मत कर सकते हैं जो नकारात्मक नहीं है और सकारात्मक है? क्या आप मंच पे खड़े होकर आप ये हिम्मत कर सकते हैं कि अतीत की बातों को बंद करें और आज की बात करें कि आपकी सरकार ने क्या किया? क्योंकि जब आप इस बात को उठाते हैं तो सिर्फ ऐसी बातें करते हैं कि हमने G20 की बहुत बढ़िया किया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, ठीक है, संसद का सुंदरीकरण किया, उसमें भी आपने 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर लिए, आपने अपने लिए दो बड़े बड़े हवाई जहाज खरीदे, 16,000 करोड़ रुपए खर्च लिए। क्या जनता का हक नहीं है कि पूछे कि ये किसके पैसे खर्च रहे हैं, ये किसकी संपत्ति है जो आप अपने दोस्तों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप रहे हैं, जो कौड़ियों के दाम में आप दे रहे हैं उनको? क्या जनता का हक नहीं है कि आपसे पूछे कि 70 साल की बात छोड़िए, 10 साल की बात बताइए, 10 साल में हम बेरोजगार क्यों हैं? आपने रोजगार क्यों नहीं बनाए? जहां से रोजगार बनते हैं उन कंपनियों को आपने कौड़ियों के दाम में क्यों बेच दिया अपने दोस्तों को? क्या हमें पूछने का हक नहीं है? क्या जनता को ये पूछने का हक नहीं है कि पहले हमें किसानी खेती से हमें रोजगार मिलते थे, हमें ग्रामीण रोजगार मिलता था, मनरेगा करता है, संघर्ष करता है सेना में भर्ती होने के लिए, और आपने उसको 4 सालों के लिए
चार सालों की नौकरी देकर उसको आप घर भेज देंगे? क्या हक नहीं है किसान को पूछने का? क्या महिलाओं को हक नहीं है पूछने का कि हमारे लिए क्या किया? आपकी यहाँ 18 सालों से सरकार थी, पिछली ये सरकार 3.5 सालों से चल रही है। क्या महिलाओं को हक नहीं है पूछने के लिए कि हमें पहले ये पैसे क्यों नहीं दिए जो चुनाव के 2 महीने पहले आप हमारे खातों में डाल रहे हो? क्या हम उस समय गरीब नहीं थे? क्या हम उस समय समाज का बोझ नहीं उठा रहे थे? क्या हम उस समय खेतियों में काम कर नहीं रहे थे? क्या हम उस समय अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे थे? क्या महिलाओं को हक नहीं है ये पूछने के लिए कि जो बिल आप लाए हैं हमारे आरक्षण के लिए, जिसमें आप कहते हैं कि 33% आरक्षण हमें देंगे, वो बिल 10 साल के लिए आप लागू क्यों नहीं करेंगे? ये हक है, और मैं इस हक को या के बारे में याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ। मुझे वोट वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी जागरूकता चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आपके हक आपके हाथों में जाए, कि आपका अधिकार वापस आपको मिले। मैं चाहती हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जो हर स्तर पर जनता की संपत्ति जनता की जेब में वापस डाल रही है, वैसी सरकार मध्य प्रदेश में बने। मैं चाहती हूँ कि जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम करके आपको दिखाया है कि आपकी सारी संपत्ति आपसे की जेब से निकाल दी, मिडिल क्लास के लिए कोई विजन नहीं, गरीबों के लिए कोई विजन नहीं, आपके लिए कोई सहूलियत सहायता नहीं, और सारी संपत्ति बड़ी बड़ी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। मैं चाहती हूँ कि वो संपत्ति वापस आपके जेब में जाए। कैसे जाएगी? कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो करके दिखा रही हैं। कांग्रेस राजस्थान में आज 25 लाख का इलाज मुफ्त में हो रहा है, और ये चुनावी घोषणा नहीं थी, ये 1.5 साल से चल रहा है राजस्थान में, ये हो रहा है छत्तीसगढ़ में। गाँव में जो समस्याएं हैं वो गाँव में सुलझाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। छत्तीसगढ़ में उन्होंने सोचा कि इसे कैसे सुलझाएं, गौठान बनाए, स्वयं सेवा समूह को उनमें काम दिलवाया, जो गाय थी उसका जो गोबर है उसको खरीदा सरकार ने, ताकि वहां मजबूती मिले। मनरेगा को मजबूत करने की कोशिश की, ग्रामीण रोजगार देने की कोशिश की, ओपीएस को लागू किया। आज सरकारी कर्मचारी का एक ही डिमांड है, कहता है 20 सालों से मैंने काम किया, मैंने देश सेवा की, आप सब यहाँ खड़े हैं, ये देश सेवा ही है, वरना आप यहाँ नहीं खड़े होते एक चुनावी सभा में। आप सब सिर्फ ये कहते हैं कि हमने 20 सालों के लिए जो सेवा की उसके लिए हम सिर्फ सुरक्षा मांग रहे हैं, हमारा जो पेंशन है वो सुरक्षित रहे। हमें ये घबराहट नहीं चाहिए कि हमारे पेंशन को आपने कहीं इन्वेस्ट कर लिया, कल को कुछ समस्या उठ गई और हमारी सारी कमाई गवा दी। हम सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहते हैं। सरकार क्या कहती है? ये सरकार जो कहती है कि आपके लिए चलती है, क्या कहती है? कहती है हमारे पास पैसे नहीं है ओपीएस के लिए। तो अगर पैसे नहीं है तो राजस्थान की सरकार कैसे कर रही है? तो फिर कर्नाटका की सरकार कैसे कर रही है? हिमाचल की सरकार कैसे कर रही है? छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू कैसे है? क्योंकि आपके पैसे नहीं है गलत बात है, आपकी प्रायोरिटीज गलत है, आपका ध्यान नहीं है इसमें। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने की बात होती है, हजारों करोड़ रुपए आप अडानी जी के माफ कर सकते हैं, तो इस देश के कर्मचारी के ओपीएस क्यों नहीं दे सकते? सीधी सी बात है। पिछले साल जब यूपी का चुनाव था, गन्ने के किसानों का बकाया 15,000 करोड़ था, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने दो चीजें की, अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे, एक 8,000 करोड़ का, दूसरा 8,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे। और दूसरी बात, उन्होंने ये ऐलान किया कि संसद भवन की सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और किसान का बकाया, उसके लिए पैसे नहीं है। किसान के बकाये के लिए पैसे नहीं है, जो संसद चला आ रहा है 70 सालों से ठीक ठाक है, मरम्मत करनी है तो करो, लेकिन उस पूरे इंडिया गेट के सामने नई दिल्ली को की सुंदरीकरण के लिए इतने पैसे खर्च करने के लिए क्या जरूरत थी? देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में खूब तरक्की हुई,
और ये नहीं था कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट नहीं थे, G20 नहीं था, ये सब था, लेकिन गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए सोच थी, एक विजन था कि किस तरह से हम आपको भी मजबूत कर सकते हैं और उद्योगपतियों को भी मजबूत कर सकते हैं। और ये नजरिया नहीं था कि सिर्फ गिने चुने 5 उद्योगपतियों को हम मदद करेंगे और बाकी उद्योगपति जाए भाड़ में, ये नजरिया नहीं था। आज के तमाम छोटे उद्योगपति, मध्यम वर्ग के, जो छोटी छोटी कंपनियां चलाते हैं, जो इंजन है हमारे देश के विकास का, जो दुकानदार हैं, जो छोटी दुकानें हैं, इन सब की मदद सहायता कौन कर रहा है? नोटबंदी की आपने सबको कह दिया कि भाई देशभक्ति दिखाओ अपनी, खड़े हो जाओ लाइन में। सब खड़े हो गए क्योंकि हमारी देश की जनता, जब हम देश की बात करते हैं, जब हम धर्म की बात करते हैं, तो ऐसा एक हिंदुस्तानी नहीं है जिसके दिल में वो बात नहीं बैठती। इसीलिए ये सीख गए कि भाई जब जनता से कुछ निकालना हो, धर्म की बात करो और देशभक्ति की बात करो। आप खड़े हुए लाइन में। नोटबंदी का सबसे बड़ा नुकसान किसी अडानी अंबानी का नहीं हुआ, नोटबंदी का नुकसान आपने झेला, इंदौर जैसे शहरों के उद्योगपतियों ने झेला। उसके बाद क्या हुआ? कोरोना आया। दुनिया भर में कोरोना जब आया तो छोटे छोटे उद्योगपतियों की मदद की, यहां नहीं हुई आपकी सहायता। कोरोना के बाद आप पे GST थोपा गया और GST से आप अभी भी जूझ रहे हैं। तो क्या कर रही है ये सरकार आपके लिए, मैं पूछना चाहती हूँ। लोग कहते हैं, मैं जाती हूँ लोगों के घरों में, पूछती हूँ कि भाई टूटी में से पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, सड़क तुम्हारी खराब है, तो वोट क्यों दे रहे हो भाई? दीदी धर्म की बात है, दीदी धर्म की बात है, दीदी जाति की बात है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत हो गया आपका इस्तेमाल, आपके जज्बातों का बहुत इस्तेमाल हो गया है। ये वोट जो है ना, सुन लीजिए कान खोल के, ये वोट जो है ना धर्म की बात नहीं है, ये वोट आपकी जागरूकता की बात है। ये वोट इतना कीमती है कि अगर बगैर सोचे समझे आप इसको किसी को दे दोगे तो 5 साल और वो भुगतोगे जो आप 18 साल से भुगत रहे हो। अगर आपका देशभक्ति का धर्म है तो वो यही है कि जागरूक बन जाओ। जो इस मंच पे आकर आपसे इधर उधर की बातें करता है, आपका आपके ध्यान को भटकाकर आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसको सबक सिखाओ। अपने विकास के बारे में पूछो, अपने भविष्य के बारे में पूछो। मेरी बहनों, आप पूछो कि आपके बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। लाडली योजना के बारे में बात करते हैं, जहां जिस प्रदेश में हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है, पहले सुरक्षित बनाओ महिलाओं को, फिर बात करो। और क्या समझ रखा है आपने महिलाओं को कि चुनाव के 2 दिन पहले आप कह देंगे कि लीजिए 2000 रुपए आपके खाते में? क्या महिलाएं सोचनी नहीं है? क्या महिलाओं को दिख नहीं रहा है कि आपने इतने सालों से कुछ नहीं किया उनके लिए? सवाल उठाओ, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं बनोगे, जब तक आप जिम्मेदारी और शक्ति अपने हाथों में नहीं लोगे, तब तक आपका प्रदेश इसी तरह की खाई में रहेगा। घोटाले पे घोटाला, और इससे नुकसान किसका होता है? कभी मैं सुनती हूँ लोग कहते हैं, ठीक है भाई सभी ने खाना है, खाने दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या हम इस कगार पे पहुंच गए हैं कि चलिए खाने दीजिए? क्या बात है, आपका पैसा है, आपका पैसा है, आपकी संपत्ति है, इतनी आसानी से मत खाने दीजिए। खड़े हो जाइए, याद दिला दीजिए इनको, सबको, सारे नेताओं को, कि आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपकी संपत्ति आपको लौटाए, ऐसी स्कीम चाहते हैं जो आपको मजबूत बनाए। क्योंकि बहुत हो गया है, और जैसे मैंने कहा है, इसका नुकसान आप झेल रहे हैं, कोई नेता नहीं झेलता। सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सबके बड़े बड़े महल हैं। आपने देखा हुआ, अभी 1-2 दिन पहले ही एक वीडियो चला है
किसी बड़े नेता, शायद एक कृषि मंत्री हैं देश के, उनके बेटे शायद वही हैं, फोन पे वीडियो पे कुछ कुछ कह रहे हैं, हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं। कोई नेता, नेता का कोई नुकसान नहीं होता, ये नुकसान है तो आपका है। ये अधिकारी जो यहाँ खड़े हैं, कर्मचारी जो खड़े हैं, गरीब जनता है जो रोज मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, क्योंकि ये आप ही की संपत्ति लेते हैं। तो अब आप मन बना लीजिए कि आपको कैसी सरकार चाहिए। मैं बार बार कहती हूं कि मेरी बातों पे मत चलिए, जो आप देख रहे हैं अपने अनुभव से, आपने जो देखा है, आपको जैसा लग रहा है कि देखिए हमारी सरकार ने, अगर आपको लगता है कि आपकी तरक्की हुई है, कि अच्छा हो रहा है, तो बेशक दीजिए इनको वोट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए काम नहीं किया, आपको सिर्फ लूटा है, सिर्फ बहकाया है, सिर्फ झूठे खोखले वादे किए हैं। अभी मैं मंच पे आई थी, किसी ने मुझे गुलदस्ता पकड़ाया, आपने देखा, गुलदस्ते में फूल ही नहीं थे, खाली था। उस तरह का गुलदस्ता बना के आपको दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं। चुनाव आता है, शुरू धर्म जाति और घोषणाओं का गुलदस्ता। चुनाव के बाद आपको देखते हैं उसमें फूल ही नहीं है, खाली है, खोखला है। तो अपने लिए नहीं, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए नहीं, वोटों को बटोरने के लिए मैं आपके लिए कह रही हूं। हम अगर कुछ गारंटी के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, एक आधार है उसका। हमने कर्नाटका में कुछ गारंटी के बारे में बात की, आज वो गारंटी लागू है। पहली कैबिनेट मीटिंग में उनमें से जो 5 गारंटीज थी उनको लागू किया गया। तो मेरी बातों पे मत जाइए, देखिए कर्नाटका में क्या हो रहा है, क्या छत्तीसगढ़ के लोग खुश हैं, क्या बाकी किसान खुश है वहां का, क्या ये सच है कि जो पलायन करके गए थे वो वापस आ रहे हैं अपने गांव, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे प्रदेश में ही हमें अच्छा रोजगार मिल रहा है। पूछिए ये सवाल और खुद देखिए कि जहां जहां कांग्रेस ने गारंटी बताई है, क्या वो गारंटी पूरी हो रही है कि नहीं, और ये कांग्रेस चाहती क्या है। अगर इस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अगर इसका एक नेता देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 4000 किलोमीटर चल के सिर्फ ये कह रहा है आपको कि आप एकजुट हो जाइए, कि ये देश एक हो, ये देश मजबूत हो, भारत जोड़ो यात्रा एक नेता कर रहा है, तो क्या अपनी भलाई के लिए कर रहा है? वो देश के लिए कर रहा है, आपको जागरूक बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि ये जो राजनीति चल रही है ये सही नहीं है, इससे आपका लाभ नहीं हो रहा है, इससे कुछ गिने चुनों का, चुने लोगों का लाभ हो रहा है। और अब आप सबको खुद दिखने लगा है, छोटी छोटी चीजें हैं। हिमाचल में मैं बहुत रहती हूँ, हिमाचल का जो सेब का किसान है आज सेब नहीं बेच पा रहा है, क्यों? अडानी जी के पास है सारे कोल्ड स्टोरेज, सारा जो सेब का ट्रेड है सारा अडानी जी के पास है, वो कीमत तय करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं आपके आपके जीवन में जिससे आपको पता चल रहा है। मैं पिछली सभा में कह रही थी कि पुराने जमाने में टाटा बिरला होते थे, हमें मालूम होता था कि भाई टाटा ट्रक बनाता है, टूथपेस्ट बनाता है, क्या हमें जो हम इस्तेमाल कर रहे थे जीवन में, जो हमारी चीजें हैं, हमें पता चल जाता था कि ये बिरला बना रहा है, ये टाटा बना रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अडानी जी अंबानी जी क्या बना रहे हैं, बताइए, कोई बताए, किसी को मालूम है क्या बना रहे हैं? कुछ बना नहीं रहे हैं, देश की संपत्ति को ले रहे हैं, कुछ नया नहीं बन रहा है। आज इंदौर में अगर बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय हैं, पाठशालाएं हैं, अगर ये एजुकेशन का हब है, टेक्निक का हब है, तो ये आपकी सरकार ने नहीं बनाया है, ये आप खुद अपने बल पे कर रहे हैं, जबकि सरकार को करना चाहिए। विजन होता है तो IIM आता है, विजन होता है तो IIT आता है, विजन होता है तो एम्स आता है, विजन होता है तो एक प्लानिंग होती है, शहर की प्लानिंग, शहर के गरीबों के लिए प्लानिंग, शहर के बिजनेस वालों के लिए प्लानिंग, और शहर के लिए एक विजन की, हाँ 10 सालों में हम ये चाहते हैं। वो विजन का मिसाल मैंने देख लिया, कमलनाथ जी ने जो शुरू कराया था फ्लाईओवर, अभी तक आधा पड़ा हुआ है, अभी तक तैयार नहीं है।
विजन का कांग्रेस की सरकार था कथा, और अभी तक ऐसा ही अधूरा पड़ा है। तो मेरी सिर्फ देखिए एक ही बात है, ये सारी लंबी चौड़ी बातों के का आधार एक ही है कि आप सोच समझ के अपना वोट दो, जागरूक बनो। कुछ गारंटीज है पढ़ के सुना देती हूं, लेकिन आपको ये गारंटीज आपको जानना चाहिए कि एक आधार पे बनी है, क्योंकि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां ऑलरेडी इनमें ऐसी गारंटीज लागू हैं। तो हमारी गारंटी है कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर आपको मिलेगा, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ होगी, पुराना पेंशन यहां लागू होगा, 2,00,000 खाली सरकारी पद जैसे ही सरकार बनेगी हमारा प्रयास रहेगा कि 1-2 सालों के अंदर अंदर हम इनको भरवाएंगे। युवाओं के लिए, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए 3,000 रुपए बेरोजगारी का भत्ता, पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा होगी, कक्षा 1 से 8 तक हर बच्चे को जो स्कूल में रजिस्टर्ड है उसे 500 रुपए मिलेंगे, कक्षा 9 से 10 तक हर बच्चे के लिए 1,000 रुपए परिवार को दिया जाएगा, कक्षा 11वीं से 12वीं तक 1,500 रुपए दिए जाएंगे, किसानों का कर्ज माफ होना फिर से शुरू होगा, आपकी MSP जो न्यूनतम भूल गई, दिमाग से निकल गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको गेहूं के लिए 2600 रुपए मिलेगा, धान के लिए 2500। अब इसका आधार क्या है? छत्तीसगढ़ में आज भी 2400 से ऊपर है समर्थन मूल्य, और भाजपा के जो प्रदेश है वाराणसी में 1200 से 1400 मिल रहे हैं, OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण मांग रहे हैं, हम देंगे। और जो जाति जनगणना की बात है, हम मध्य प्रदेश में वो गिनती कराएंगे। देखिए जाति जनगणना की जो बात है ना, वो भी जो ये लोग बात करते हैं, कहते हैं, अक्सर कहते हैं, आपने मोदी जी की बात काफी सुनी होगी कि वो खास तौर से OBC वर्ग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वही खाली गुलदस्ता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए तब ये कहते हैं कि हम नहीं हो सकती, चुप रहते हैं। अब क्यों हम क्यों कह रहे हैं कि ये जनगणना होनी चाहिए? हम सिंपल ये बात कह रहे हैं कि गिनती कर लो कि इस देश में दलित कितने हैं, इस देश में OBC कितने हैं, SC कितने हैं, ST कितने हैं, गरीब कितने हैं, ताकि जब नीतियां बने तब जितने प्रतिशत है कम से कम उनकी भागीदारी हो, या उनको उनकी समस्याओं को हल करने के लिए ऐसी नीतियां बने जिसमें उनका प्रतिनिधित्व हो, कि जो बड़े बड़े पद हैं देश के उनमें उनका प्रतिनिधित्व हो। जैसे आज अगर देखें हम तो नहीं है प्रतिनिधित्व। अगर बिहार में गिनती की गई 84% OBC SC ST थे हैं आज के दिन में, लेकिन आप बड़े बड़े पद देखिए, विश्वविद्यालय के जो आप वाइस चांसलर्स हैं उनको देखिए, या आप बड़े बड़े मीडिया के जो हेड हैं उनको देखिए, या फिर आप किसी भी स्तर में देख लीजिए, ये आंकड़ा दिखता नहीं है आपको। तो कम से कम समानता होनी चाहिए। तो हम कहते हैं गिनती करिए, गिनती करने का समय होता है तो पीछे हट जाते हैं। तो देखिए समझने की बात है कि आप क्या चाहते हैं अपनी सरकार से, अपने नेताओं से। लेकिन नेता ऐसी चीज होती है कि आप छूट दे देना, आप जवाबदेही बंद कर दें तो हवा में उड़ जाते हैं। इनको जमीन पे लाना आपका काम है। हम सबकी, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, हम अपनी भी बात कर रही हूँ कि कल को हमारा ध्यान भटक जाए, हम गलती कर जाएं, या हमने कोई ऐसी घोषणा की जो हमने पूरी नहीं की, तो आप सबक सिखाइए, जमीन पर उतारिए। तो अब बहुत हो गया है, बहुत लंबी बात भी कर ली है मैंने, शाम का टाइम हो गया, आपको जाना भी है घर। सीधी सी बात है, मन बना लो,
जो राजनीति आपके लिए काम करे, जो आपका ध्यान इधर उधर ना भटकाए, जो आपके जज्बातों का इस्तेमाल नहीं करे लेकिन उनका आदर करे, जिसके दिल में, जिस नेता के दिल में आपके प्रति असली श्रद्धा है, दिखावे वाली नहीं, जो अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए होती है, असली श्रद्धा। आज अगर आप इंदिरा जी को याद करते हैं, माफ करिए मोदी जी फिर से नाम ले रही हूं, या राजीव जी को याद करते हैं, या अन्य बड़े नेताओं को, वाजपेयी जी को याद करते हैं, तो किस लिए करते हैं? क्योंकि आपका आदर करते थे, उनके दिलों में आपके लिए श्रद्धा थी। तो वो श्रद्धा बरकरार रहनी चाहिए नेता और पब्लिक के बीच। तो बस यही बात करनी थी कि आप जागरूक बनिए, चुनाव के समय जब वोट डालने जाएंगे मेरी बातों को याद रखिए, और मेरी बातों को आप गहराई से समझने की कोशिश करिए। अब समय नहीं बचा है व्यर्थ करने के लिए, आपने 18 साल एक तरह से व्यर्थ कर लिए, क्योंकि आपके लिए काम नहीं हुआ। अपने प्रदेश को मजबूत बनाना है, अपने इंदौर को मजबूत बनाना है, ये हब बन सकता है टेक्नोलॉजी का, साइंस का, एजुकेशन का, ये हब ऑलरेडी एक तरह से है और भी मजबूत बन सकता है, तो इसको बनाने का मौका दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।